श्री राधे। मैं आचार्य प्रसून कौशल, एस्ट्रोलॉजर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी प्रिय दर्शकों का एवं सभी श्रोताओं का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज का मैं जो प्रयोग लेकर के आया हूँ, ऐसा प्रयोग है कि आपके जो भी लक्ष्य जीवन में पूरे नहीं हो रहे, जो आपने लक्ष्य बनाए हैं, आपके काम है, काम में अड़चने आ रही है, किसी भी काम के लिए आप जा रहे हैं, काम पूरे नहीं हो पा रहा, आप सोच रहे हैं काम मेरा पूरा हो जाए, किसी से मिलने जा रहे हैं, किसी कॉन्टेक्ट के लिए जा रहे हैं, किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, किसी भी चीज के लिए जा रहे हैं आप, तो समझिए ये प्रयोग आपने कर लिया है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। देखिए, हम तो जीवन में सब लोग कोई ना कोई चालीसा करता है, कोई हनुमान चालीसा, कोई शिव चालीसा, कोई दुर्गा चालीसा, पर हमें उसका प्रयोग नहीं पता चालीसा करना कैसे चाहिए। जीवन हम करते रहते हैं चालीसा, पर उसका फायदा ही प्राप्त नहीं होता, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कैसे चालीसा करें। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हनुमान चालीसा कैसे करना चाहिए। यदि आप किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान है, अत्यंत परेशान है, और किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं आप, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यदि आप हनुमान चालीसा कर रहे हैं, तो आपको कैसे करना है ध्यान से सुनिए। आप एक टाइम देखिए, एक मैं बता दूंगा, किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यदि आप हनुमान चालीसा कर रहे हैं, तो एक टाइम को चुन लीजिए। यदि आपने सुबह 9 बजे का टाइम चुना है, तो डेली आपको सुबह 9 बजे से ही हनुमान चालीसा स्टार्ट करना पड़ेगा। नहीं कि आज 9 बजे, कल 9:30 बजे, परसों 8:30 बजे, पर 10 बजे, ये नहीं चलेगा। अगर आप लक्ष्य प्राप्ति के लिए कोई काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको नियम का ध्यान बहुत रखना पड़ेगा, टाइम का ध्यान बहुत रखना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप। हनुमान चालीसा के लिए आप बढ़िया मंदिर में बैठ जाइए, और जिस भी भगवान के हनुमान चालीसा का आप पाठ करें, उनकी फोटो आपके सामने होनी चाहिए, उनकी प्रतिमा मूर्ति आपके सामने अवश्य होनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठे तो हनुमान जी की प्रतिमा फोटो आपके सामने, बढ़िया आसन लगा के बैठिए। और हनुमान चालीसा करते समय जब आप लक्ष्य पूर्ति के लिए हनुमान चालीसा कर रहे हैं, तो घी का दीपक, गाय के घी का दीपक, भैंस के घी का दीपक नहीं जलाना है, गाय के घी का दीपक, या गाय का घी ना मिले तो तिल के तेल का दीपक प्रकट करके जलाइए। सुनो, बैठ जाइए, तिल के तेल का, गाय के घी का दीपक आप प्रकट कर लीजिए। एक लोटा ताम्र पात्र कर लीजिए, उसमें जल भर लीजिए, उसमें लौंग और एक सिक्का डाल लीजिए, इतना आपको कर लेना। अब बैठ जाइए, 3 हनुमान चालीसा आपको करने, 3 हनुमान चालीसा करिए। हनुमान जी से प्रार्थना करिए, हे प्रभु, मैं हनुमान चालीसा कर रहा हूं, आप तो पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्त रूप, कवन सुकाज कठिन जग माई, जो नहीं होए तादे तुम पाई। ऐसी प्रार्थना, कौन सा ऐसा कार्य जो आप नहीं कर सकते और आपके आशीर्वाद से वो कार्य हो नहीं सकता, ऐसी मनी मन प्रार्थना करिए। 3 हनुमान चालीसा आप पढ़िए, 11 दिन तक आपको ये प्रयोग करना है। लोटे का जल जैसा आपने भरा तो भरा रहने दीजिए, पर जिस टाइम आप प्रारंभ करें, यदि आपने 8 बजे से पहले दिन प्रारंभ किया, तो डेली 8 बजे ही आपको बैठना है। यदि 9 बजे से प्रारंभ किया, तो डेली 9 बजे ही आपको बैठना है। इस चीज का ध्यान रखें, जब 11 दिन पूर्ति हो जाए, तो जिससे भी व्यक्ति से आपको मिलने जाना है, उसको मिलने से पहले आप जो जल था ताम्र पात्र में उसको पी लीजिए, और जो रुपए और लौंग डाली थी उसको अपने हाथ में या जेब में रख के जाइए। जिससे भी मिलने जा रहे हैं, जिस काम के लिए भी जा रहे हैं, ये करके जाइए, निश्चित ही हनुमान जी की कृपा से वो आपका काम पूरा हो जाएगा, अवश्य पूरा हो जाएगा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया प्रयोग है, अति उत्तम प्रयोग है, बहुत लोगों ने इस प्रयोग से लाभ प्राप्त किया है। और यदि आपके जीवन में कोई भी संकट हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार की कितनी बड़ी परेशानी, कैसे भी परेशानी, आप मुझे एक बार कॉल करके अपनी परेशानी बता दीजिए, समझिए आपको समाधान प्राप्त हो गया। बस एक कॉल की दूरी है आपकी परेशानी को खत्म करने के लिए, एक कॉल लगाइए, आपकी परेशानी समझिए खत्म, क्योंकि आप मेरी फैमिली के सदस्य हैं, मेरे घर के सदस्य हैं, आप मेरे अपने हैं, मैं आपका हूं और मेरे अपने हैं, ये रिश्ता आपका हमारा दिल का है, जो हमेशा बना रहेगा और हमेशा बढ़ता ही रहेगा, हमेशा बढ़ता रहेगा। और यदि आप अपनी कुंडली एनालाइज करवाना चाहते हैं, तो निश्चित अपॉइंटमेंट ले सकते हैं आप उससे, सामने आपके नंबर चल रहे हैं, आप मुझे कॉल करिए। मेरी शुभकामना आप सभी लोगों के साथ, आप सभी लोगों के साथ स्वस्थ रहें, आनंद में रहें। राधे राधे।